नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्येंदु मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं जो बाइसल सिग्नल कम स्किनर बनाया और उसी खातिर मैं आप लोग को रेगुलर व्यू देता हूँ। बाइसल लेवल ऑफ इक्विटी कमोडिटी निफ्टी बैंक निफ्टी फ्यूचर और 100 DEMA स्ट्रेटेजी कैंडलस्टिक फॉर्मेशन और इनसेट दबार NR4 NR7। तो कल के लिए मतलब 7 फरवरी 2020 के लिए मैंने व्यू दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो मेरा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस पे मिल जाएगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन मैंने रेगुलर बेसिस पे देते हूँ, वो भी मिल जाएगा। बहुत सारा चार्ट का सेटअप है जो आपके आप लोग को स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने का बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। बहुत सारे स्ट्रैटेजी टेक्निक्स है, वो भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और ये जो बाइसल लेवल कम स्किनर है, इसको कैसे स्किन करना है, इसमें क्या क्या है, आप लोग को क्या क्या मिलेगा, कैसे ये आप लोग को हेल्पफुल रहेगा, वो भी आप लोग उसको सब वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और ये आप लोग अब इसको यूज़ करेंगे तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। और इसका व्हाट्सएप ग्रुप में लिंक, इसमें मेरा पेड सर्विस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करता हूँ, उसका लिंक भी इसको इधर मिल आप लोग को मिल जाएगा। और सैम्पल फाइल डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा और बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज़ का लिंक है। फिबोनाची स्ट्रेटेजी, हाउ टू यूज मोस्ट इफेक्टिवली इस एक्सेल शीट, ये सब आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग जरूर देख लीजिएगा तो वीडियो समझने की आप लोग सुविधा हो जाएगा। तो देखिए, मैंने इसमें बाइसल लेवल 1, 2 और 3 मैंने रखता हूँ। बाई लेवल सेल लेवल 1, 2 और 3 रखता हूँ और बहुत सारा इंडिकेटर्स हैं जो देखिए मैंने स्क्रीनिंग भी कर ले सकते हैं। तो देखिए, मैंने 3 सेट 5 लेवल सेल लेवल दिखाता हूँ, वो कोई भी आप लोग यूज़ कर सकता है। और मैंने बाइसल लेवल 3 अलग से बनाया हूँ, उसमें ओनली बाइसल लेवल 3 रहता है। तो उसमें अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड का बाइसल लेवल रखा हूँ, अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों सेट का बाइसल लेवल रखा हूँ। अप ट्रेंड जब और भी बच जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड जब और अप ट्रेंड जब 8 के नीचे आएगा कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउन ट्रेंड जब और भी ऊपर डाउनटेन जब 8 के नीचे जाएगा तो कौन सा लेवल सही रहेगा, डाउनटेन जब और भी नीचे जाएगा कौन सा लेवल सही रहेगा, ये सब आप लोग को मिल जाएगा इस फाइल से। और कौन सा लेवल पे कौन सा स्टॉक्स है वो भी आप लोग को देखने मिल जाएगा। और इसमें भी इंडिकेटर्स लगा हुआ है, वो भी देख के आप लोग स्क्रीनिंग कर सकता है। तो ये सब आप लोग वीडियो दूसरा वीडियो देखने के लिए अभी इधर बोलूँगा तो टाइम वेस्टेज होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, बाइसल लेवल 1 का बाई का एंट्री लेवल बीच में रहता है, टारगेट 1 से टारगेट 4 बाएँ तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ से एंट्री लेवल भी बीच में रहेगा, टारगेट 1 से लेकर टारगेट 4 बाएँ तरफ, टारगेट 5 से लेकर टारगेट 8 दाएँ तरफ। और मार्केट ओपन होने के बाद कौन सा लेवल के स्टॉक्स है वो आप लोग को देख लेना है, उसका हिसाब से ट्रेड करना है। इसके बाद बाइसल लेवल 2 रहता है, ये है बाइसल लेवल 2, वाई लेवल एंड सेल लेवल 2। उसके बाद वाई लेवल सेल लेवल 3 दिखाऊंगा, ये है वाई लेवल सेल लेवल 3। इसमें R1 बाय का एंट्री लेवल है और सेल S1 सेल का एंट्री लेवल है। ये स्टैंडर्ड पिवट पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, ये भी एंट्री पॉइंट हो सकता है। बोलिंजर बैंड का अपर बैंड, मिड बैंड और लोअर बैंड का वैल्यू नोट कर सकता है, प्राइस का अपर बैंड मिड बैंड वैल्यू नोट कर सकता है। और टीरन लेवल जो है इसका टॉप लाइन मिड लाइन और बॉटम लाइन का वैल्यू नोट कर सकता है, ये भी आप लोग को डिपेंड हो सकता है। और मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का भी सब दिखाऊंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी का जो बाई लेवल तीनों बाइसल लेवल दिखाऊंगा, पिवट पॉइंट सब कुछ दिखाऊंगा, प्राइस चैनल टीरन लेवल वो भी आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग को लाइव मार्केट में निफ्टी बैंक निफ्टी को मॉनिटर करने के लिए बहुत ही काम हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद कमोडिटी को दिखाता हूँ, ये आप लोग लाइव मार्केट में एक पेपर ट्रेड करके देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकता है, ये बहुत ही अच्छा काम करता है। कोई भी स्क्रिप्ट में कमोडिटी में भी बहुत ही अच्छा काम करता है। आप लोग मेरा परफॉर्मेंस वाला वीडियो देख ले सकता है, इसका परफॉर्मेंस मैंने दिखाया है तो बीच बीच में दिखाता हूँ, वो भी आप लोग देख सकता है। तो आप लोग को पता चल जाएगा कि कैसे ये काम करता है और कैसे इसको यूज़ करना है, दोनों ही आप लोग को पता चल जाएगा। और सब वीडियो परफॉर्मेंस वाला वीडियो आप लोग देख लेंगे तो
उसके बाद आप लोग को कुछ समझ में नहीं आएगा तो क्लैरिफिकेशन आएगा तो आप लोग फीडबैक दे सकते हैं। उसके बाद मैंने कुछ फीचर्स दिखा देता हूँ, उसका वाइजल में रवानी दिखाता हूँ। इसके बाद मैंने 100 डे ईमे का स्ट्रेटजी दिखाऊंगा, कौन सा स्टॉक्स में 100 डे ईमे का सिनेरियो बना है, 100 डे ईमे स्ट्रेटजी, 100 डे मूविंग एवरेज का स्ट्रेटजी। 100 डे मूविंग एवरेज स्ट्रेटजी यह है कि जिस जिस स्टॉक्स का आज का कैंडल को जो करेंट कैंडल को 100 डे मूविंग एवरेज कट किया है तो नेक्स्ट डे उसका जो फाइल आउट होगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। तो देखिए इसमें सिप्ला में कट किया है 100 डे मूविंग एवरेज, इधर आप लोग कर देता हूँ सिप्ला। देखिए आज का जो कैंडल है इसको 100 डे मूविंग एवरेज काट किया है तो इसका जो हाई या लो जब तोड़ेगा तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। उसके बाद कमिंस को देखते हैं, कमिंस में काट किया है, उसका कल भी काट किया था, ये भी देखिए ये काट किया है कमिंस इंडस्ट्रीज। इसके बाद सोच लीजिए आइसर मोटो, आइसर मोटो ऐसा बड़ा होता है, छोड़ दीजिए। एक्साइड इंडस्ट्रीज, ये भी कट किया है तो देखिए और भी ये आप लोग कट किया है, आप लोग देख सकते हैं, आप लोग कुछ चेक कर सकता है। मैंने ज़्यादा नहीं दिखाऊंगा क्योंकि इन सब दवा स्ट्रीम स्ट्रेटेजी और भी कुछ दिखाना है और आप लोग रिटायर के लिए लिए आप लोग ज्वाइन हो सकता है। ये पूरा फाइल मैंने शेयर करता हूँ मेरा व्हाट्सएप ग्रुप पर। मैंने फ्री ट्रायल देता हूँ, उसके बाद आप लोग 7 दिन के लिए मैंने फ्री ट्रायल, 5 दिन के लिए फ्री ट्रायल देता हूँ, उसके बाद आप लोग रिसर्च कर सकते हैं कि आप लोग पेड सर्विस लेंगे कि या नहीं लेंगे। इधर देखिए NR4 बना है अदानी पोर्ट में और इधर अमर राजे बैटरी में 1 डे का सबसे रिसेंट दबा रहा है, NR4 NR7 भी बना है तो मैंने एक बार एग्जाम्पल लेकर दिखा देता हूँ। अच्छा बैटरी इधर देखिए इंसेंट दबा रहा है 1 डे का हिसाब से, मतलब ये जो अगला दिन का आज का कैंडल ही अगला दिन का कैंडल का अंदर आया गया और जो NR4 मतलब ये उसके आगे जो 3 दिन कैंडल है इसका जो हाई लो का डिफरेंस है तो आज का जो कैंडल है इसका हाई लो डिफरेंस सबसे कम है तो इसका इन कैंडल का जो हाई लो तो रहेगा तो अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। और 1 डे का हम लोग रिसेंट का ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी को पकड़ के काम करना है तो हम लोग वो भी काम कर सकते हैं क्योंकि इसको 1 डे का सबसे रिसेंट अभा भी बना है तो इसका हाई लो जब इस कैंडल का हाई लो जब तोड़ेगा तो वो भी हम लोग ले सकते हैं। और इसमें हमारा बैटरी हो गया, इधर अशोक लेलैंड में हुआ है, इधर रिसेंट अभा हुआ है, इधर और फार्मा में NR4 NR7 हुआ है, बाजार जाटो में हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। और मैंने और भी कुछ कंडस्ट्रिक पैटर्न देखा था, वो देखिए इधर अदानी में हायर आई 3 डेज पर 3 डेज का हायर आई लोअर, मतलब कंजिक्यूटिव 3 डेज में हायर आई एंड हायर लोज बना है तो उसको हम लोग देख सकते हैं। लेकिन कंजिक्यूटिव 3 डेज में हायर लोज बना है तो इसका जब हाई लो तोड़ता है तो अच्छा मूवमेंट मिलता है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एक कंडस्ट्रिक फॉर्मेशन है और अच्छा काम करता है, और फार्मा ने बना है। और फार्मा का देखिए 3 डेज का नहीं बना है। उसके बाद एयरटेल में बना है, सब लोग चेक कर सकते हैं, देखते हैं बहुत कुछ लोअर एंड वाले उसमें कुछ नहीं।